आज जो सिटी घुमाने के लिए मैं आपको लेके जाने वाला हूँ, उस सिटी ने इंडिया की नहीं वर्ल्ड के सारे न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी को इतना ऊंचा कर दिया कि क्या ही बताऊँ मैं। उसी के साथ उन्होंने इकोनॉमी को ही पूरा नीचे गिरा दिया है। यस, आपने सही समझा है, आई एम टॉकिंग अबाउट रशिया। अभी मैं कालीनिंग्राद में हूँ, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ कालीनिंग्राद घुमाने के लिए। लेट्स गो। जबरदस्त गाड़ी है भाई। ये एक चर्च है जहाँ मैं अभी तक नहीं गया हूँ, यहाँ पे मुझे जाना है। होपफुली देखते हैं, मौका मिले तो आज जाऊँगा मैं। और ये है सिटी। शॉपिंग मॉल्स है या फिर जहाँ पे आप कुछ खरीद सकते हैं उनको मैगजीन बोला जाता है यहाँ पे, मैगजीन। ये कैफे प्लस बार, ये भी मैंने थोड़ा सर्च किया था। ये कुछ कॉलेज के लड़के हैं जो मुझे हेल्प कर रहे हैं लोकल बस पकड़ने के लिए कालीनिंग्राद के लिए। एंड आपको भी कभी लोकल के साथ बात करके लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। ऑफ कोर्स गूगल इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। से हाय टू ऑल। हेलो 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 हेलो। या यू बाल वाश माय। तो चलते हैं। कालीनिंग्राद के लिए टिकट आ गया है $1.5। कालीनिंग्राद यहाँ से 20-25 किलोमीटर्स दूर है, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट अभी
4 बज चुके हैं, 2 बजे मैं शिप से निकला था, सारी फॉर्मेलिटीज करते करते आधा घंटा चला गया, आधा घंटा टैक्सी में चला गया, पर टैक्सी तो आया नहीं। इन्होंने मेरे साथ ही बस बोर्ड किया था और ये यहाँ के लोकल है, तो मैं इनसे बस कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ कि मुझे कहाँ पे जाना चाहिए टू ईट अ लोकल फूड एंड अ कॉफी प्लेस। और सुना है कि यहाँ पे कॉफी बहुत अच्छी मिलती है। तो सिटी में स्वागत हो चुका है अपना। कालीनगरा सिटी में स्वागत है आपका मेरे साथ। सबसे पहले हम कॉफ़ी प्लेस में जाएंगे, ये दो लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, तो चलते हैं घूमते। और अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं कैमरे पे ज़्यादा ना हूँ, आप मुझे नहीं इस सिटी को देखो अभी। तो मैंने कैपेचिनो लिया है और उसके साथ कुछ केक है, आपने सुन लिया होगा, वो मैंने ऑर्डर किया है, तो देखते हैं क्या आता है। तो ये रही कॉफ़ी और ये मैंगो पेस्ट्री। टेस्ट इज अमेजिंग। और कॉफ़ी तो बन के आया भाई, कॉफ़ी का तो बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ मैं आजकल। सो नाउ लेट मी एंजॉय माय कॉफ़ी एंड उसके बाद चलते हैं बाहर। बाय द वे इस कैफे का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है इसके विंडोज, ये रोड साइड में है, बट मुझे वहाँ पे बैठना नहीं मिला, कोई बात नहीं। ब्रंच एंड बाउल में कॉफ़ी और केक अमेजिंग था। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। हेलो। तो जब तक सिग्नल नहीं लगता तब तक कोई भी रास्ता क्रॉस नहीं करता है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये था कि बस के अंदर आप अच्छे से देखोगे वहाँ पे सीट बेल्ट था, मतलब हर सीट पे सीट बेल्ट लगा हुआ है, अमेजिंग ना। इंडिया में ये होना चाहिए कि नहीं, कमेंट करो। द ट्रैम, बट इसमें ट्रैवल करने का मौका नहीं मिलने वाला है क्योंकि इसमें ये चर्च है, बड़ा संडे होने की वजह से ये बंद है। मैं सिटी सेंटर में हूँ, इट्स अमेजिंग। इतनी ठंड में आइसक्रीम खाने के लिए मैं पागल तो नहीं हूँ, बट क्या करूँ, मुझे डिजायर हो रहा है आइसक्रीम खाने का। आइसक्रीम इज रियली अमेजिंग। कोई भी अगर इस जगह पे आ रहा है तो प्लीज डू विजिट दिस प्लेस, बहुत ही अच्छी आइसक्रीम है यहाँ पे
और वो भी बहुत कम रेट में। मैंने खाली 1.40 रुपए पे किया इसके लिए, जबकि दूसरी जगह में 200 रुपए था। तो यहाँ पे ये लोकल मार्केट है जहाँ पे मैं आ चुका हूँ, बट सब यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगा है, लाइक $10 के नीचे कोई भी चीज नहीं है। एक बहुत ही फेमस फोर्ट है, डेर वैंगल नाम है इसका, होने की वजह से ये बंद है। और यहाँ पे बहुत ही एक यूनिक चीज मैंने देखी है, अगर आप गूगल करो, इट्स स्वीट क्यूट एंड अमेजिंग। तो आपको मेरे बाजू में कुछ एक वुमेन है जो कुछ यू नो स्मोक जैसा कर रही है, दैट इज़ वेपर। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है वेपर को लेके, और वो हर हर किसी के हाथ में ये वेपर आपको मिलेगा। एक्चुअली उसमें टोबैको नहीं रहता है, बस वेपर होता है। मैंने भी एक दो बार ट्राई किया है शिप पे, बाय द वे दिस इज़ अमेजिंग। मॉल में घूमने नहीं आता, वॉशरूम यूज करने आता, जिसके लिए मुझे 15 सेंट पे करने पड़े। तो ये स्ट्रीट फूड है, बट शायद मुझे अभी यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। व्हाट अ लवली प्लेस टू स्पेंड द इवनिंग ओवर हियर, एंड आई थिंक कॉफी शॉप, बट यहाँ नहीं रुकना है, इस बिल्डिंग के पीछे एक प्लेस है, वहाँ जाना है। तो वो हमारा डेस्टिनेशन है, वहाँ पे जाना है। ये ज़्यादा दूर नहीं है, पहुँच ही जाएंगे 15 मिनट और। आई होप GoPro इस व्यू को जस्टिफाई कर पा रहा होगा। तो चलते हैं सीधा नीचे। थोड़ा घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, लास्ट में डिसाइड करेंगे कि क्या खाना है। मजा, यहाँ पे बियर भी मिल रही है। फिश है, रिब्स है यहाँ पे। चलने का लग रहा है मैं सही जगह पे चल के आया हूँ। खाने के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ पे,
रियली अमेजिंग, बहुत सही था एक्चुअली. मेरे शोल्डर पर भी रखा था बट उसके नाखून बहुत लग रहे थे इसलिए मैंने निकालने के लिए बोल दिया. भाई का सेटअप बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग. यू यस क्या गोल्ड की तरह चमक रहा है ये. बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है विद द ब्यूटीफुल फ्लावर्स और यहाँ से व्यू बहुत ही अमेजिंग है. लेकिन यहाँ पे जो बियर का कॉस्ट है वो डबल नहीं ट्रिपल द प्राइस है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं मार्केट में जाऊँगा. फिश मार्केट जगह का नाम है. व्यू तो यहाँ से बहुत ही बढ़िया दिखता है. बहुत सही लग रहा है बट चलते आगे. फिश फ्राई सैल्मन ये ऑर्डर किया है मैंने और अभी ठंड बहुत बढ़ चुकी है. आठ बज चुके हैं बट सनडाउन अभी नहीं हुआ है. 9:30 बजे के आसपास सनडाउन होगा. सनलाइट अभी भी आप देख सकते हो. इतने ठंडे बियर नहीं पीना चाहिए बट क्या करें. तो लोकल बियर एंड अ फिश रोल एट लोकल प्लेस. तो अभी समय हो चुका है यहाँ से निकलने का. बहुत ठंड है प्रेजेंटली 8°C. चलते फटाफट. मैंने वो देखा है इससे और वो इतने पास लगता है, इतने अमेजिंग. बहुत सही था कि यहाँ पे करेंसी जो है करेंसी एक्सचेंज यहाँ पे $1 = 68 जो मुझे लगता है ठीक ही है, ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं होता है. मैंने $50 चेंज किया था टोटल, अभी तक मैंने $70 चेंज किया है, अभी मेरे से बहुत पैसा बचा हुआ है. भाई ये जो बाइसिकल्स आप देख रहे हो इसके लिए 10 rubles for 1 minute जो बहुत ज़्यादा महंगा है, बिकॉज उससे भी कम कॉस्ट में यहाँ पे टैक्सी हायर कर सकते हो आप. और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगे तो क्या ही कहने उसके. तो ये है बस स्टेशन और मेरा जो बस है वो यही आने वाला है जिसका नंबर है 105. आ गई बस, चलते हैं अंदर. तो दोस्तों बस स्टॉप मेरा वहाँ पे था और यहाँ से मुझे और अंदर 10 मिनट चल के जाना है बट आगे ज़्यादा लाइट नहीं.